आज का वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो आप कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम आपको ऐसा सब्जेक्ट लेने वाले हैं जो आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जो आपकी इमोशंस से जुड़ा हुआ है, जिससे हर गृहिणी परेशान है। मैक्सिमम जिनके घर में कोई भी उनका पति शराब पीता है या अनमैरिड भी है, बेटा है और शराबी है, तो इससे ज़्यादा विध्वंसक हालत माता पिता की नहीं हो सकती जब वो अपने बेटे को शराब पी के लुढ़कते हुए देखते हैं, बकवास करते हुए देखते हैं। आज इसी का सॉल्यूशन हम लेके आए हैं और आपको कुछ भी दवाई खानी नहीं है, बल्कि 21 दिनों तक इस दबाव बिंदु को निरंतर दबाव देना है। कैसे देना है? हम हैं डॉक्टर उमाश्री, MD इन एक्यूप्रेशर हैं, इसी नाते आपको सलाह दे रहे हैं एक्यूप्रेशर से संबंधित, और ये इसके अनुभूत और चमत्कारी परिणाम हमने खुद देखे हैं। इसको अपनाकर आप अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं, अपने जीवन की खोई रौनक पुनः वापस ला सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर हैं और 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, उसका सॉल्यूशन निश्चित रूप से आपको मिलेगा और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी निश्चित रूप से। 25 साल का तजुर्बा कोई कम नहीं होता, मायने रखता है, और इसको आप हमसे ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में email ID के ज़रिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये कमेंट सेक्शन में भी हमको बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत समय से, और हम सोच रहे थे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। हर तरह के नशे से मुक्त हो समाज, ऐसी परिकल्पना करते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शराब पीना कैसे छुड़वाएं, शराबी को बिना बताए शराब कैसे छुड़वाएं, क्योंकि आप उसके हाथ में एक एक्यूप्रेशर बिंदु है जो सहज रूप से आप दबा सकते हैं और उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट हो जाएगा और आपके दुख कम हो जाएंगे, मतलब कम क्या, ख़त्म ही हो जाएंगे। क्योंकि आपको जीवन में एक यही दुख होता है कि आपका बेटा शराबी है, आपका पति शराबी है, और उससे आप मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं, तो इससे बढ़कर दुखद स्थिति क्या होती है। मैं समझ सकती हूँ आपकी भावना को। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम आपको बताने वाले हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। ये जो पॉइंट है आप देख लीजिए, ये लेफ़्ट हैंड के एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, और आप देख रहे हैं मिडिल फिंगर है जिसमें शनि का छल्ला पहन रखा है, और इसमें मध्यम उंगली है ये, और मिडिल फिंगर भी इसको बोल सकते हैं। इसमें कुछ निशान बने हुए हैं, हम क्लियर कर दें, ये रंग चिकित्सा की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक्यूप्रेशर दवा बिंदु की बात हो रही है। एक्यूप्रेशर वो मेथड होता है जिसके थ्रू आप दबाव देते हैं। आप ये दबाव पेंसिल से भी दे सकते हैं, अपने दूसरे हाथ की फिंगर से भी दे सकते हैं, किसी से दबवा भी सकते हैं ये दबाव बिंदु। अगर आपके घर में सदस्य हैं वो आपकी हेल्प निश्चित रूप से कर देंगे, आपके जो भी शराब पीता है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो उस पर आप दबाव देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप खुद शराबी हैं तो अपने दबाव बिंदु को दबाकर शराब से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि शराब जीवन का नासूर है, और जिन घरों में शराब पी जाती है, पियक्कड़ लोग जिन घरों में होते हैं उनकी हालत खूब ख़राब होती है। जो सोफिस्टिकेटेड शराब पीते हैं, ड्रिंक्स वगैरह पार्टी में लेते हैं, तो उनकी बात तो अलग है, उनकी हम चर्चा भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो चर्चा के लायक भी नहीं है। क्योंकि शराब एक नासूर है, इसको जब समझ लेंगे तो आपको कोई भी बात और बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दबाव बिंदु आप जानिए, और ये दबाव बिंदु है तर्जनी उंगली में भी है एक दबाव बिंदु, और दो दबाव बिंदु मध्यमा उंगली में है। लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, बाएं हाथ में ये तीन दबाव बिंदु हैं जिनको दबाकर 21 दिन में आप शराब का सेवन छुड़वा सकते हैं, लेकिन 21 दिन से ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो उसको आप लेके चलना माइंड में कि 21 दिन से ज़्यादा भी लग सकते हैं। किसी को कौन सा तरीका सूट करता है, किसी को कौन सा, हालांकि एक्यूप्रेशर में एक ही तरीका होता है, लेकिन दबाव हल्का है या भारी है या गहरा है, इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और इसी यही काम करता है थ्योरी में। तो आपको दबाव बिंदु दबाने हैं, और ये आप देख लीजिए, ये है दबा के, बताइए एक बार, ऐसे दबा के छोड़ना है 10-10 बार। देखिए पहला जो बिंदु है मध्यमा उंगली के पहले पौरवे में है, बीच में है, और जो दूसरा बिंदु है दूसरे पौवे में है। यही दो बिंदु हमने इंडिकेशन करके पेन से आपको बना के दिखाए हैं, जिससे आप दबाव सही जगह पर कर सकें, और तर्जनी उंगली के दूसरे पौरवे में ये बिंदु है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ी देर प्रकाश डालती हूँ इस पर, देख लीजिए अच्छी तरह से। ये बाएं हाथ की तर्जनी उंगली है और मध्यमा उंगली है, इन दोनों ही उंगलियों में
एक्यूप्रेशर के ऐसे पॉइंट होते हैं जो शराब के लिए आदमी को मना करते हैं, मतलब शराब की इच्छा ही नहीं होती पीने की इंसान की, जब ये दबाव बिंदु एक्टिव हो जाते हैं। ये दबाव बिंदु दबाने का तरीका होता है, इसको सुबह खाली पेट आप दबा सकते हैं और शाम को भी खाली, मतलब एक घंटे के अंतराल में खाना खाने के बाद या पहले आप दबा सकते हैं। इससे चमत्कारिक ढंग से आपको लाभ होगा और आपकी खोई हुई खुशियाँ वापस लौट जाएंगी, क्योंकि यही गम आपको खाया जा रहा होगा। मेरे पास कमेंट आते हैं, हमारा बेटा शराब नहीं छोड़ता, हम कैसे छोड़ाएं? तो आज हमने सोच लिया कि इस पर वीडियो बनाना ही बनाना है, और बहुत कमेंट हमारे पास, हज़ारों की संख्या में कमेंट जो शराबी की शराब कैसे छुड़वाएं इसी पर आते हैं, तो हमने सोचा आज इसी पर वीडियो बनाएं, तो आपको दिखाएं और दबाव बिंदु से आप अवगत हों। देखिए पूरा पाम देख लीजिए आप, और पूरे पाम में ये तीन बिंदु हैं, मिडिल फिंगर का ये बिंदु जो पहले पौरवे में है, उंगलियाँ सीधी कर लीजिए सारी, पांच जो पांच चार उंगलियां हैं और एक अंगूठा है, और ये जो आप देख रहे हैं बिंदु मध्यमा उंगली में है, पहले पौरवे में पहला बिंदु, दूसरे पौरवे में दूसरा बिंदु, और तर्जनी जो उंगली है होती है जिसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, उसका दूसरे पौरवे में ये बिंदु है, यहीं आपको दबाना है। आप पेंसिल का प्रयोग भी कर सकते हैं दबाने के रूप में। एक्यूप्रेशर के ऐसे इक्विपमेंट भी आते हैं जिनके ज़रिए आप दबाव दे सकते हैं, और वो एक्यूप्रेशर के जो इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत कारगर होते हैं, लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हैं वो परचेज़ करने में, हल्के हालांकि सस्ते ही आते हैं, लेकिन आपकी नियरेस्ट कोई फैसिलिटी नहीं है जहां आपको उपलब्ध ना हो, तो आपका जो हाथ है वो आपके बहुत काम आ सकता है, और अपने हाथों से ही एक्यूप्रेशर बिंदु को आप दबा सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आप बने रह सकते हैं। अगर आपकी रुचि एक्यूप्रेशर में भी है तो हम अनेक वीडियो इस पर टॉपिक पे डालने वाले हैं, तो आपको लाभ हो सकता है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको असुविधा ना हो। और ये चैनल ज्योतिष पर आधारित है, तो ज्योतिष संबंधी प्रेमी जन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 साल का तजुर्बा है, आप परामर्श भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है, इसके थ्रू आपको परामर्श लेना पड़ता है, ये सभी सर्विस चार्जेबल हैं। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच।